हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस एलिगेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्टरेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू। देखो, आपने एक बात समझ ली कि वी आर एडिंग ग्लिसरीन, सो वॉटर कंटेंट ऑफ द मिक्सर विल नेवर चेंज। द कॉन्सेप्ट इज दिस। Now let us assume that this part is glycerin and this part is water. Okay, now we have added glycerin, so this is what initial and this is what final. Now you can see that in case of initial, water content is this, and in final, water content is same. So if we add glycerin, water will never change, content of water. So what we'll do, initial water is equal final water. Now we have 50 liter, out of this 20% is impurity, right, adulterated to the extent of 20%, so 20% water ho gaya isme. And final we have added how much pure, let we added x liter of pure glycerin, so that the impurity becomes 5%, 5 by 100. Now you can assume this as impurity or water, jo aapko acha lage aap impurity word use kar sakte ho. Now 100 cancel, 5 10 ja, so this is 50 plus x is equal 200, so x would be 150. Answer is B option. Okay, next question. 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol. Now we added water. देखो बस यही एक important होता है allegation में, आप क्या add कर रहे हो। We are adding 1 liter water is added to 5 liter of alcohol water solution containing, this is containing 40% alcohol strength, the strength of alcohol in the new solution. Okay, so अगर हम water add कर रहे हैं तो alcohol same रहेगा, तो alcohol initial is equal alcohol फाइनल। नाउ एल्कोहल इनिशियल कितना हो गया 5 लीटर में 40%, राइट। नाउ वी हैव एडेड 1 लीटर, तो 6 लीटर में लेट एल्कोहल इज x परसेंट, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर x, x इज इक्वल 200 बाई 6 और 100 बाई 3 और 33 होल 1/3%। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution containing 7% salt, the percentage salt in the remaining. Okay. देखो, if 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution containing 7, देखो क्या अगर हम evaporate करेंगे तो क्या water उड़ेगा, इसका मतलब salt same रहेगा, initial salt is equal final salt. No, initial salt is, देखो 4 लीटर वाटर बॉइलिंग फ्रॉम 12 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब इनिशियल 12 लीटर में 7% सॉल्ट था इज इक्वल, अब 4 लीटर उड़ गया तो बचा कितना 8 लीटर में लेट x परसेंट। नाउ 100 कैंसिल, x वुड बी 84 बाई 8 और 10.5%। आंसर इज ए ऑप्शन। Okay, next question. A vessel has 60 liter solution of acid and water having 80% acid. How much water be added to make? देखो water add करना है, इसका मतलब acid same रहेगा। तो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, 60 liter जो कि initial था इसमें 80% acid था। Okay? Now, अब आप ये percentage वाले केस में 100 ही मतलब मालूम में कट जाना है। How much water? Let x liter of water added. Now it become acid 60%. 100 छोड़ दिया आपने, ये 0 कैंसिल हो, 60 से पूरा कैंसिल कर दो उसको, x would be 20 लीटर। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 ग्राम ऑफ sugar सॉल्यूशन हैज 30% sugar इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ sugar दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द quantity of sugar 70. देखो यार, वी आर एडिंग sugar, तो वाटर सेम रहेगा 75, अगर 30% sugar है तो वाटर कितना होगा 70%, 100 मत लिखो, इज इक्वल वी हैव एडेड, हाँ लेट वी हैव एडेड एक्स केजी ऑफ एक्स ग्राम ऑफ शुगर, नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर बिकम 70, सो वॉटर कंसेंट्रेट वुड बी 30%। ये 3 से कैंसिल हो गया, दिस इज 325, दिस इज 175 इज इक्वल 75 प्लस एक्स, सो एक्स वुड बी 100 ग्राम। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ 30% एल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वॉटर इन द सोल्यूशन इज,
ओके, अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर स्क्वायर। 6 लीटर में हमने ऐड किया है वाटर, सॉरी हमने एल्कोहल ऐड किया, तो वाटर सेम रहेगा। इसमें 6 लीटर में 30% एल्कोहल है, तो वाटर कितना हुआ 70% इज इक्वल। अब हमने 6+1 कर दिया, माना कि इस बार यहां पर एक्स परसेंट पूछा आपसे, मैं 100 नहीं लिख रहा हूं, कट जाना है आपको, याद रखना बार बार, दिस इज 10, एक्स वुड बी 60%, दिस इज परसेंटेज ऑफ। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस केस में हमको, हाँ वाटर परसेंटेज निकालना है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू 50% सॉल्यूशन। देखो हम वाटर मिला रहे ना, 100 ml में 80% इज इक्वल 100+x, लेट वी हैव एडेड x ml ऑफ दिस वाटर टू मेक इट 50%। ओके, नाउ 52 जा, दिस इज 160 इज इक्वल 100+x, सो x वुड बी 60 ml, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 30%, द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 15%। नाउ वी आर एडिंग एल्कोहल, सो वी विल इक्वेट वाटर, सो 1 लीटर 30%। ओके, नाउ लेट वी हैव एडेड एक्स लीटर ऑफ एल्कोहल, सो वाटर बिकम 15, सो दिस इज एक्स इक्वल 1 लीटर और 1000 ml, आंसर इज ए ऑप्शन। One type of liquid contain 20% water and the second type of liquid contain 35% of water. A glass is filled with 10 part of first liquid and 4 part of second liquid, the water in the new mixture. अब यहां पर pure allegation लगेगा, 10 part of first which contain 20% water and 4 part of second which contain 35% water. Now let the final mixture contain x percent of water. So 10 by 4 is equal 35 minus x upon x minus 20, this is 5x minus 100 is equal 70 minus 2x, so 7x is equal 170, x would be 170 upon 7, देखो आंसर में 7 अपॉन में आएगा, दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, 7 वन जा होगा, 7 टू जा होगा, तो 24, डी इज द आंसर। आप पूरा सॉल्व करो या एक शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर इज। देखो नाउ वी आर एडिंग वाटर, सो ये प्योर क्वेश्चन हो गया। सो कैसे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इस एलिगेशन में अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं, ये सब क्वेश्चन आप करोगे जो आप ये देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको सीधे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो यार अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का और अराउंड 5200 क्वेश्चंस का वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन चाहिए, जिस तरह का ये वीडियो हुआ था, तो आप मिस्टर सत्यम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 8115100372। आप इस कोर्स को डीवीडी में ले सकते हो, पेन ड्राइव में ले सकते हो और इवन गूगल ड्राइव में भी ले सकते हो आप। सो अच्छा, अब इस कोर्स में क्या क्या है देख ले, क्या क्या मिलेगा। प्रीवियस ईयर मैथ्स पार्ट वन, इसमें देखो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एससीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। अब क्वेश्चन नोट करो आप, देखो यहां पर पीडीएफ फाइल्स हैं जिसमें की 275 क्वेश्चन हैं, ये पीडीएफ फाइल हो गई। अब फिर इनका वीडियो सोल्यूशन है, देखो ये सभी का वीडियो सोल्यूशन है। उसके बाद अब आप देखो इसमें नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें पीडीएफ फाइल्स में 352 क्वेश्चंस। अच्छा पीडीएफ फाइल्स भी हमारी जो है, जो पीडीएफ फाइल हम आपको देंगे, मैंने एक जनरल एग्जांपल ओपन किया है, देखो इस तरह से पीडीएफ फाइल्स हैं। इनमें क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिए हैं, देखो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप हर तरह से क्वेश्चन जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। अच्छा अब इसी तरह से एससीएफ एलसीएम, इसमें पीडीएफ फाइल्स में 138 क्वेश्चन, 138। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पीडीएफ फाइल्स में 266, वीडियो सॉल्यूशन में हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन है आपके पास। परसेंटेज में पीडीएफ फाइल्स में 318 क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन है वीडियो फॉर्म में। एलिगेशन में 70 क्वेश्चन जो आप ये फाइल देख रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में 380 क्वेश्चन हैं, डिस्काउंट में 226 क्वेश्चन हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में
120 क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट में 116 क्वेश्चन हैं, एवरेज में 249 क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क में 243 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें मेंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। पाइप एंड सिस्टर्न में 60 क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसके पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू में टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस है, बोट है, इंडिसीज है, एल्जेब्रा है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, और साथ ही साथ देखो एसएससी इन सब में मेंस के क्वेश्चंस हैं। और 2015 का जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट पेपर एक जगह मिल जाएगा आपको। फिर एसएससी सीपीओ इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप आगे 65 से आगे डिस्कस करोगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन एक साथ चाहिए तो आप इन नंबर्स पे फोन करके इस बारे डिटेल ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है rediksvideoclass.com पर आप विजिट करके, ये नंबर पे कॉल करके, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा भी हम एसएससी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर, और आप सेपरेट कोर्स मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग भी परचेज कर सकते हो। टाइम कम है, मेरे हिसाब से एसएससी निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पर ज्यादा कमांड करना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एन अलॉय कंटेन कॉपर जिंक एंड निकल इन द रेशियो, देखो कॉपर जिंक एंड निकल इन द रेशियो 5:3:2, द क्वांटिटी ऑफ निकल इन केजी दैट मस्ट बी एडेड टू 100 केजी ऑफ दिस अलॉय टू हैव द न्यू रेशियो 5:3:3। देखो यार, आपको एक बात ध्यान रखें, ये दोनों सेम है, अभी भी ये बढ़ा है, और कितना बढ़ा है, 1 यूनिट, और कितना हमने इसमें मिक्स किया है, देखो 1 यूनिट हमने मिक्स किया। अच्छा, टोटल जो हमें दे रखा कितना है, 100 केजी, और यहां पे सम कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 100 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 10 केजी, आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस है, थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, रेशियो मैंने इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये वैसे एलिगेशन है, रेशियो क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2, सेकंड अलॉय द सेम एलिमेंट आर इन द रेशियो 2:3, इफ दीज टू अलॉय मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय इन विच टू एलिमेंट आर इन द रेशियो 5:8, दीज टू अलॉय इन द न्यू अलॉय, दीज टू अलॉय इन द न्यू अलॉयज। ओके, तो देखो यार, एक्स पहला माना, दूसरा वाई, तो 1/3, 2/5 एंड 5/13, बस कैलकुलेशन टफ आएगी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो 5/13 माइनस 2/5 अपॉन 1/3 माइनस 5/13, सो दिस इज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल 65, एलसीएम आ गया, दिस इज 25 माइनस 26 नीचे हो गया, 39 एलसीएम, 13 माइनस 15, ओके, सो दिस इज एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 65 अपॉन माइनस 2 अपॉन 39, 13 5 जा 13 3 जा, तो ये हो जाएगा 3/10, पॉजिटिव 10, क्योंकि दोनों माइनस कर जाएंगे, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड पी इज वन, देखो पी इज 1/3/7 टाइम्स एज हेवी एज वॉटर, तो पी इज 10/7 टाइम्स ऑफ वॉटर, तो 10/7 डब्ल्यू, एंड वॉटर इज 1/2/5 टाइम्स एज हेवी एज अनदर लिक्विड क्यू, सो इट इज 7/5 टाइम्स क्यू, तो क्यू कितना हो गया, 5/7 टाइम्स वॉटर। नाउ द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू, देखो P का मान लिया P लीटर लिया और Q का 7 लीटर लिया, हम वाटर में कंसीडर कर रहे हैं 10/7 पार्ट ऑफ वाटर एंड 5/7 पार्ट ऑफ वाटर, सो दैट द मिक्सचर मे वे एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब 1 पार्ट के बराबर हो जाए, सो P/7 इज इक्वल 1 माइनस 5/7 अपॉन 10/7 माइनस 1, दिस इज 2/7 अपॉन 3/7, आंसर इज 2/3, और दिस इज P/7, तो P इज इक्वल 14/3 और 4/2/3, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वॉटर पे कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो मिल्क टू वॉटर, मिल्क टू वॉटर इन फर्स्ट इज 3:1 एंड इन द सेकेंड कंटेनर इट इज 5:2, इफ दे मिक्स अप द रेशियो मिल्क टू वॉटर, देखो यार इसका सम हुआ 4, इसका सम हुआ 7, तो अब हम इनको 28 बनाएंगे एलसीएम लेकर, तो ये 7 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ये लाइन कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8,
अब इनको ऐड कर दो, आपका आंसर हो गया 41:15, आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल ग्लासेस फिल्ड विद एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 2:1 and 3:2, द प्रोपोर्शन ऑफ एल्कोहल, देखो वही लॉजिक, इनको सम करो 3:2:5, इनका एल्सियम हो गया 15, अब इसको मुझे 15 करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 5, दिस बाई 3, 5 2 10, 5 1 5, इसको कैंसिल कर दो, 3 3 9, 3 2 6, अब इनको ऐड कर दो 19:11, सो आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अलॉयज कंटेन टिन एंड आयरन इन द रेशियो 1:2 and 2:3, इफ द टू अलॉयज आर मिक्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 रेस्पेक्टली द बाई वेट, देन द रेशियो ऑफ टिन एंड दे आर मिक्स इन द रेशियो 3:4। अच्छा देखो, अब वही अप्रोच, इनको सम करो 3, इसको सम करो 5, अब इनका ले लो एलसीएम, 15 एलसीएम आएगा, तो इसको मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे 3 करना है, तो 5 1 5, 5 2 10, ये कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 3 9, अच्छा अब इसको लिया 3 पार्ट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 और 30, ये कैंसिल करो, इसका 4 24 और 36, अब ऐड कर दो 9 3 39:66, 3 से कैंसिल करो, 13:22, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके,